हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द लास्ट वीडियोस वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड वेल एज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। वी विल कंप्लीटेड दैट इज वन पार्ट, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो दिस इस पार्ट के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो ह्यूमन के अंदर हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इसके अंदर आपने होप्सो की कंप्लीट कर लिया होगा अभी तक। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था और आई होप कि आपने डायग्राम भी बना के देखा होगा और अच्छे से बनाना आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्यूरी आती है इस वाले पार्ट में या फिर आज जो हम पढ़ाएंगे उस वाले में, देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड वैसे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, सो चलो आज वाला स्टार्ट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट्स पढ़े थे ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, याद है? सो देखो, मेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ओके, सो इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? द ऑर्गन्स विच विल प्रोड्यूस द सेक्स सेल और गैमेट्स। ये बताया था कि जो भी ऑर्गन क्या करते हैं, गैमिट प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो सेक्स सेल होती हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या था हमारा? जो कि उन गैमिट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। ओके, या फिर उसमें रिप्रोडक्शन में आगे हेल्प करती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, सो ह्यूमन बींग के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? गैमिट्स कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे? टेस्टिस के अंदर, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, टेस्टिस के अंदर। एंड फिर जो ये सारे के सारे अदर्स पार्ट हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से क्या है, जो स्पर्म है उनको क्या कर रहे थे? ट्रांसफ़र का काम कर रहे थे। मेल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। पढ़ा था ना ये हमने। सो यहाँ पर क्या था हमारे, जो स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, सो सेम वे से क्या है आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो इसके अंदर हमें मेनली क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम इस जो ये डायग्राम दे रखा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इसके अंदर आपके मेनली 3 to 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, ये डायग्राम आपको बना के देखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। आप यहाँ से स्टार्ट करना इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ से आप जैसे ही स्टार्ट करोगे, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करना, ठीक है। ये डायग्राम आपका, एक सेकेंड, यस, देखो ये डायग्राम आपका यहाँ से है, यहाँ से आप ऐसे स्टार्ट करोगे और फिर ऐसे बनाओगे, ठीक है, इस वाले को भी ऐसे, और फिर ये ऊपर से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं आपको। ओके, यहाँ पर ऐसे बना के, और फिर यहाँ पर आपको ये क्या है? ओवरीज, ठीक है ना, क्या है? ओवरीज। ये ओवरीज आपको यहाँ पर कनेक्ट होती दिखानी है। ओके, यहाँ पर कनेक्ट होती दिखानी है। उसके बाद फिर ये आपको वॉल्स दिखानी है, ठीक है, ये आप कलर भी कर सकते हो इसके अंदर अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है? लाइनिंग है। सो ये भी आपको दिखानी है। ओके, सो चलो डिस्कस करते हैं अब इसके अंदर क्या कुछ दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ ओवरी। ओवरी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? ओवरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोलते हैं इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज ओवरी विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ओवरी विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का क्या नाम है? ओवा या फिर ओवम। ओके, ओवम भी बोल सकते हो, एग भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो आप? ओवा। ओके, ये क्या है? फीमेल गैमेट, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी से। अब अगर हम बात करते हैं, अच्छा पहले एक बार इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स जैसे ओवरी है, यूटरस है, सर्विक्स, वेजाइना, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो देखो ओवरी हो गई, यहाँ पर ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरी, जिसका मेन फंक्शन क्या है आपकी?
एग या फिर ओवा प्रोड्यूस करती हैं। देन आप देख सकते हो जो ये ओवेरीज हैं ये यहाँ से कनेक्ट हो रखी हैं आपकी। देखो जो ओवेरीज है वो यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो रखी हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं देखो दोनों साइड से, है ना। सो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को देखो फनल शेप से बन रही है ना। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारी कुछ फनल हमारी कुछ इस तरीके से होती है। सो देखो ये वाली थोड़ी सी बस यहाँ पर आपकी टेढ़ी कर रखी है। सो ये क्या है, फनल शेप कुछ एक स्ट्रक्चर सा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ओके क्या बोलते हैं इनको हम, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। देन नेक्स्ट पार्ट आता है, फिर देखो जो ये फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, ये आगे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट है ना, एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूटरस। ओके क्या बोलते हैं इसको हम, यूटरस। अब जो यूटरस है उसकी आगे चलकर ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। देन सर्विक्स फाइनली ओपन होता है वजाइना के अंदर। ओके ठीक है, ये आपकी नेमिंग थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके अब वन बाय वन अब हम इनको कंप्लीट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम ओवरी से। ओके सो फर्स्ट आती है हमारे पास ओवरी। सो ओवरी क्या है आपकी, सबसे पहले तो आपको लिखना है दैट दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन अगर हम इनकी साइज़ की बात करते हैं तो ये जो बादाम देखा है ना आपने, आलमंड देखा है, सेम आलमंड शेप की होती हैं और आलमंड साइज़ की होती हैं। ठीक है इतनी छोटी छोटी होती हैं, वैसे इतना बड़ा सिस्टम दिखा रखा है बट साइज़ में इतनी होती हैं आलमंड शेप की। ओके इनका अगर हम डायरेक्ट साइज़ की बात करें देन 2 to 4 centimeter लॉन्ग होती हैं। ओके लेंथ में कितनी होती हैं आपकी, 2 to 4 centimeter एंड 2 centimeter होती है आपकी वाइड, 2 centimeter वाइड एंड अप्रोक्स 1 centimeter थिक। ओके आलमंड शेप की होती हैं, कितना होता है 2 to 4 centimeter उनकी लेंथ होती है एंड उनकी विड्थ कितनी होती है 2 centimeter 1 centimeter अप्रोक्स ये थिकनेस में होती हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी बॉडी है, ठीक है हमारी बॉडी के अंदर जो एब्डोमेन प्रेजेंट है, एब्डोमेन आप ये देख सकते हो, देखो जैसे ऐसे मान सकते हो आप कंप्लीट, ठीक है ना, ठीक है ऐसे प्रेजेंट है बॉडी। सो इसके अंदर हंसना मत डायग्राम के ऊपर, तो देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये वाला जो पार्ट है हमारे, ये एब्डोमेन बोलते हैं इसको, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सो ये एब्डोमेन के भी इस सिर्फ इस लोअर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके सो ये इसकी लोकेशन है, जो ओवेरी की लोकेशन कहाँ पर हो गई है, एट द लोअर एब्डोमेन। ओके लोकेशन कहाँ पर हो गई, लोअर एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। अब क्या होती है कि जो ओवेरी है उसका मेन फंक्शन की बात करते हैं। चलो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल दैट ओवरीज हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, कैसे होती हैं। ओके अब हम बात करते हैं ओवरी के फंक्शन की, बिकॉज साथ साथ हमें फंक्शन भी तो पढ़ना है। आप नोट्स में भी ऐसे ही लिखोगे, पहले आप इस वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर्स के नेम लिखोगे देन इनके फंक्शंस लिखोगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन क्या है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज इट विल प्रोड्यूस द गैमेट। ओके प्रोड्यूस द गैमेट, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट लिखना भाई यहाँ पर, क्योंकि गैमेट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फीमेल भी और मेल भी। सो प्रोड्यूस द गैमेट, इस गैमेट का क्या नाम होगा फीमेल का, ओवा ओवम या फिर एग, आप कोई भी लिख सकते हैं। देन एक और फंक्शन आता है, जैसे हमने टेस्टिस के अंदर पढ़ा था, क्या आता है हार्मोन सिक्रीशन का पढ़े थे ना हमने, हार्मोन क्या आते हैं आपके, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। सो फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो आपके दो हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं। ओके ये हार्मोन्स के नेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओके, ओवरी के अंदर आपके टू टाइप्स के हार्मोन हैं वो सिक्रीट होते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. यही हॉर्मोन्स क्या करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के टाइम, उन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन. ओके, ठीक है. सो ये आपके दो फंक्शन हो गए हैं ओवरी के, एग को प्रोड्यूस करेगी और हार्मोन को रिलीज करेगी. ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमने इसके अंदर फंक्शन के अंदर पढ़ लिया दैट इट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, दैट इज़ एग. ओके, बट आपको बता दूं कि जो गर्ल होती है वो बाय बर्थ ही उसके अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है. ठीक है, बाय बर्थ ही ऑब्वियसली बात है सारा का सारा सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट उसके अंदर क्या होता है, बाय बर्थ ही उन ओवरीज़ के अंदर एग भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एग भी कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपके इमेच्योर. ठीक है, जो एग होते हैं, देखो मान लो ये ओवरीज हैं फीमेल की, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी एग्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्स हैं जो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. ओके, छोटे 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 थाउजेंड्स ऑफ एग हैं जो प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, बट वो कैसे होते हैं, आपके इमेच्योर एग होते हैं. ओके, इमेच्योर एग होते हैं. अब क्या होता है, जैसे जैसे जो गर्ल्स हैं उनकी एज बढ़ती है, ऑब्वियसली प्यूबर्टी की एज में जब वो आती हैं तो क्या होते हैं, ये एग हैं जो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, जो एग्स हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पर. ओके, प्यूबर्टी जैसे ही आती है तो क्या होती हैं, जो एग हैं वो मेच्योर हो जाते हैं. अब ये नहीं है कि ये सारे के सारे जो एग हैं वो कंप्लीट मैच्योर हो जाएंगे, मतलब थाउजेंड एग थे तो थाउजेंड एग एक टाइम पर ही मैच्योर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. एवरी मंथ ओनली वन जो एग है वो ओवरी में से मैच्योर होके प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है. ओके, इसमें से ये भी नहीं है कि बाय बर्थ जितने एग थे वो एज इट इज़ लाइफ टाइम चलते रहेंगे, उनमें से बहुत सारे तो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बिकॉज उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता या फिर वैसे रप्चर हो जाते हैं. तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कंप्लीट जो एग है वो प्यूबर्टी की एज तक उतने ही नहीं पहुँचते. मान लो बाय बर्थ आपके थाउजेंड एग एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, देन ये नहीं है कि प्यूबर्टी के एज तक भी आपके थाउजेंड ही मिलेंगे. नो, ओके, वो आपके क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही कम जो एग्स हैं वो बचते हैं, वो भी क्या है फिर मैच्योर होते हैं, और पर मंथ सिर्फ एक एग ही क्या है ओवरी से रिलीज होता है, पर ओवरी से. ओके, एक ओवरी से एक एग. ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है आपके रिलीज होते हैं वो एग. अब ठीक है, एग रिलीज हो गए, आपको अभी ओवरी के अंदर सिर्फ इतना ही याद करना है. ठीक है ना, अभी हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास सेकंड वाला, फेलोपियन ट्यूब. ओके, फेलोपियन ट्यूब, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट. ओके, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, आपको बताया था कि क्या होती है, आपकी एक फनल शेप की एक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, आप डायरेक्ट इसको ऐसे बोल देते हो बिकॉज ये ट्यूब नाम से पता लग रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज़ इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और अब क्या है कि इसकी लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज इसकी और ज़्यादा कुछ इतना स्ट्रक्चर के बारे में आपको नहीं बताना है. सो ये क्या होती है, आपकी ट्यूब होती है और इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 10 टू 12 सेंटीमीटर होती है. ओके, इसकी लेंथ कितनी होती है आपकी, 10 टू 12 सेंटीमीटर, और ये कैसी होती है, आपकी मस्कुलर भी होती है. ओके, इट मीन्स ये मसल से बनी होती है. ठीक है, ओके, कैसी होती है, ये मस्कुलर भी होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेंथ का हमें पता लग गया 10 टू 12 सेंटीमीटर होती है. अब बात करते हैं इसके हम फंक्शन की, देन अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका इसके अंदर, जो अगर हम मेन फंक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने ओवरी के अंदर बात की तो ओवरी के अंदर आपका क्या हो गया था कि इसके अंदर क्या था आपका, सिर्फ एक ही फंक्शन याद किया था उसके अंदर, तो हमने दो फंक्शन याद किए थे भाई, जो
एग हैं उनको प्रोडक्शन की एंड हॉर्मोन्स के सिक्रेशन की। देन फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करते हैं सो ओवरी से क्या है एग रिलीज़ हो गई थी, ठीक है। अब क्या है कि वो एग रिलीज़ होकर कहीं ना कहीं पर तो आएंगे ना, देखो जैसे इसके अंदर, यस यहाँ से देखो आप, जैसे ये वाला है, ये क्या हो गया, ओके जस्ट सेकंड, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। ओके यस, चलो अब देखो, देखो यहाँ से एग है जो डेवलप हो गए थे, ठीक है। मान लो ये एक एग है, ये डेवलप हुआ, तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है? अब एग का मेन फंक्शन क्या है, आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इट मींस क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट के क्या है, फ्यूज़न होना है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। सो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि जो स्पर्म है वो यहाँ ओवरी तक ही पहुँच जाएगा डायरेक्ट, नहीं ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो इसको भी कवर करना पड़ेगा, एग को भी। सो ये एग क्या करेगा, यहाँ से इस फेलोपियन ट्यूब, ये ना हमारी फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से होता हुआ क्या है ट्रांसफ़र होने का काम करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ओके। सो ओविडक्ट का जो मेन फंक्शन है वो आपका क्या हो गया है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ फीमेल गैमेट, ओके, ट्रांसफ़र ऑफ फीमेल गैमेट टू द, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है, इस वाले पार्ट का आप क्या नाम है, यूटेरस, ओके। ओविडक्ट का मेन फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ द फीमेल गैमेट इनटू द यूटरस, ओके। देन अब हमारे पास क्या है कि ओवरी का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, फेलोपियन ट्यूब और दोनों के हमने फंक्शन पढ़ लिए हैं। देन थर्ड वन हमारे पास क्या आता है, अब यहाँ पर थर्ड वन क्या आता है भाई, यहाँ पर हमारे पास यूटरस, ओके। तो चलो यूट्रस पढ़ते हैं, अब हमने दो पार्ट पढ़ लिए ना, ये थर्ड है आपका यूट्रस। देन यूट्रस का दूसरा नाम है आपका वोम्ब, ओके, क्या बोलते हैं इसको हम, वोम्ब, बिकॉज यही एक प्लेस है फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जहाँ पर क्या है जो बेबी है, जो डेवलपिंग बेबी है, वो यहाँ पर इम्प्लांट होता है, इट मींस यहाँ पर फिक्स होता है एक तरीके से, ओके। सो इसको हम क्या बोलते हैं, और वॉम्ब। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो ये क्या होता है आपका, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर आप यूट्रस की बात करते हो, तो यूट्रस के अंदर मेनली क्या होता है कि जो इसके अंदर मेन फंक्शन क्या होता है आपका, यूट्रस का बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ओवा है जो वो आ रहे थे, यहाँ पर एग है वो आ गए थे यूट्रस के अंदर फेलोपियन ट्यूब के जरिए, बट यूट्रस के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होता है ये, ठीक है, ठीक है। ओविडक्ट भी आपकी मस्कुलर थी, बट जो यूट्रस है वो हैवीली मस्कुलर होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होती हैं, बिकॉज ये क्या काम करता है यहाँ पर, अब मसल्स हैं तो मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, रिलैक्सेशन करेंगी, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, जैसे हार्ट करता है ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, सेम वैसे क्या है यूट्रस भी करता है, बिकॉज उसके अंदर भी जो वॉल्स हैं वो मसल्स होती हैं, मस्कुलर्स होती हैं, ठीक है। सो ये कैसा होता है आपका, इलास्टिक होता है, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया आपका यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब अगर हम इसके मेन फंक्शन के बारे में बात करते हैं, सो हम स्ट्रक्चर की हेल्प से ही फंक्शन का पता लगाते हैं, इसके अंदर क्या होती है, मसल्स होते हैं, ठीक है, मस्कुलर होता है, सो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करेगा एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, ओके, जब बेबी का बर्थ होगा देन उस टाइम पर क्या होगा, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट मीन्स इसी के अंदर क्या होगा, जो डेवलपिंग बेबी है, आप ये मान सकते हो कि जो डेवलपिंग बेबी होता है ना, उसको हम एक और टर्म देते हैं, फीटस, ओके, क्या टर्म देते हैं हम उसको, फीटस। इस फीटस मतलब फीटस और डेवलपिंग बेबी एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। सो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इट मींस इसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए क्या होता है, जो डेवलपिंग बेबी है, जो फीटस है, ठीक है, जो फीटस है ना, वो यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा, ओके।
अब देखो एक मिनट, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर और देखो इसका। यस, यहाँ पर देखो आप, जैसे ये वाला दे रखा है आपका यूट्रस, इसके अंदर देखो जो ये रेड कलर से आपकी जो ये वाली मार्किंग कर रखी है, ये आपकी क्या है, यूट्रस के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। यूट्रस के अंदर ही ये क्या है, प्रेजेंट है, ये आपकी लेयर्स प्रेजेंट है, यूट्रस के अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आपको अभी लेयरिंग की जैसे याद करने की वैसे नीड नहीं है नेमिंग की, बट आपको ऐसे याद करनी है, ये वाली आपकी आउटर होती है, एक फिर होती है आपकी मिडल, ओके, और ये वाली होती है आपकी इनर लेयर, ओके। अब देखो जो ये इनर लेयर है, ये आपकी जो रेड कलर से शो कर रखी है ये है, ठीक है ना। इसके अंदर आपका क्या होता है कि जो यूट्रस है वो पर मंथ अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। किसके लिए प्रिपेयर कर देता है, बिकॉज अभी बताया ना मैंने कि जो पर मंथ है एक एग एक ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। सो जो एग है, अब यूट्रस को थोड़ी पता है कि जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अभी तक तो इसको कुछ नहीं पता। सो ये तो हमेशा क्या कर रहा है, पर मंथ अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो, ओके, उसके केस में। अब देखो एक मिनट, इसको हटा देती हूँ। यस, अब देखो ये अपने आप को यहाँ से प्रिपेयर कर लेगा। प्रिपेयर का मतलब कैसे करेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड की एक तरीके से कोटिंग सी होनी स्टार्ट हो जाती है इस वाली लेयर के अंदर, और ये अपने आप को क्या है, बहुत ज़्यादा थिक कर लेता है। बिकॉज अगर ये थिक नहीं होगा, मैंने अभी बताया ना कि यूट्रस को थोड़ी पता है कि अभी फर्टिलाइज हुआ है या फिर नहीं हुआ है एग। सो एग जैसे ही आता है, मे बी फर्टिलाइज हो गया, तो क्या है, बेबी डेवलप होगा। सो बेबी के वेट को कैरी करने के लिए क्या है, ये अपने आप को डेवलप करता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि बेबी के वेट को कोई भी कैरी कर सकता है, नहीं, बेबी को वेट को कैरी करने के लिए भी क्या है, यूट्रस है जो अपने आप को एक तरीके से मॉडिफाइड कर लेता है, और क्या है, जो ये लाइनिंग है, जो ये इनर लाइनिंग है, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, सो दैट जो बेबी है वो इजीली डेवलप हो सके यहाँ पर, ओके। सो ये क्या होती है, जो इनर वाली लेयर होती है, ये आप अपने आप को क्या कर लेती हैं, इम्प्रूव कर लेती हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हैं, ठीक है। सो जो ये यूट्रस है, ये अपने आप को प्रिपेयर तो पर मंथ करता है। अब उसकी बात हम आगे करेंगे, दैट एग है वो फर्टिलाइज हुआ या फिर नहीं हुआ, देन उस केस में इनकी क्या, मतलब जो यूट्रस है वो कैसे हेल्प करता है, ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ओके। देन नेक्स्ट आता है आपका सर्विक्स, ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका, सर्विक्स। जो ओपनिंग होती है यूट्रस की, क्या होती है, जो ओपनिंग होती है यूट्रस की, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ओके, ठीक है। जो ओवरी होती है, सॉरी, जो यूट्रस होता है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। देन जो सर्विक्स है उसका मेन फंक्शन क्या है, कि अगर जो बेबी है वो डेवलप हो गया है, ठीक है, अगर बेबी डेवलप हो गया है तो बर्थ के टाइम पर क्या है कि जो बेबी है वो यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे आप, ओके। अब अगर हम बात करते हैं सर्विक्स के फंक्शन की, सो क्या है कि इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इसका मेन कोई फंक्शन नहीं है, बट ऐसे क्या है, ये यूट्रस की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ओके, जहाँ से जो बेबी है उसकी बर्थ होती है, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका वेजाइना, ओके। नेक्स्ट क्या आता है, वेजाइना। वेजाइना की आपको डायरेक्ट क्या लर्न करनी है, दैट ये भी आपकी क्या है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अप्रोक्स 7 to 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। देन इसका मेन फंक्शन क्या होता है आपका, एट वेजाइना एक्ट्स एज अ बर्थ कैनाल, ओके। जो वेजाइना है वो एक बर्थ कैनाल की तरह बिहेव करती है। बर्थ कैनाल मीन्स कि जो बेबी है वो डेवलप हो गया है, ठीक है, यूट्रस के अंदर। अब क्या है, बेबी को जो, मतलब बेबी के बर्थ का जो प्लेस होता है, ठीक है, जो वे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। सो वो क्या होगा आपका, वेजाइना, ओके। सो ये हो गया है आपका मेन फंक्शन और स्ट्रक्चर्स, कंप्लीट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अब यहाँ पर हो गया है आपका, ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपके दो तीन कुछ लाइंस आती हैं, वो हम देखते हैं अभी। देखो जैसे आपकी ये वाली जो यहाँ पर है,
यहाँ से, यस ये वाली कुछ पार्ट्स हैं, ये वाला पोर्शन आपका रह गया है अभी। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट मीन्स हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और उनके फंक्शंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब ठीक है भाई, ये भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। सो अब हम बात करते हैं कि ठीक है, जो मेल गैमेट है वो भी प्रोड्यूस हो चुका है, फीमेल गैमेट है वो भी प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। जो मेल गैमेट है वो क्या है, पेनिस के थ्रू, जैसे हमने ये वाला पढ़ा था ना, एक सेकेंड, ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो पेनिस के थ्रू, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है आपके जो टेस्टिस से क्या हुए थे, स्पर्म की प्रोडक्शन हुई थी और ऐसे करके वो यहाँ तक आ गए थे पेनिस तक, ठीक है। पेनिस के थ्रू क्या है, वो बाहर आ गए थे, ओके। अब उसके बाद देखो फीमेल के अंदर हमने क्या पढ़ा है, फीमेल के अंदर यहाँ से एग यहाँ से रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आए हैं सिर्फ एग, इस यहाँ तक आए हैं, हमने यहाँ तक पढ़ना अभी तक, ठीक है, दैट फेलोपियन ट्यूब तक आया है एग अभी तक, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, बिकॉज हमने मेन क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट की मिक्सिंग, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, ओके। सो यहाँ पर आपकी कुछ टर्म्स आती हैं, पहले तो आपको वो क्लियर कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ठीक है पढ़ लिए हमने, मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब क्या है कि जो मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ है, मेल गैमेट क्या था, स्पर्म, वो प्रोड्यूस हो चुका है पेनिस के थ्रू, वो बाहर आ गया, बाहर आ गया इट मीन्स वो कहाँ पर जाना है, फीमेल गैमेट के पास, इट मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या है, उसको कॉन्टैक्ट में लाना जरूरी है, ठीक है। दैट इज़ पेनिस का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंट्री करवानी जरूरी है, तभी क्या है जो स्पर्म है वो बॉडी के अंदर जाएंगे। सो इसके अंदर एक आपकी टर्म आती है कोप्यूलेशन, एक सेकेंड, यस, क्या आती है आपकी कोप्यूलेशन, और हम क्या बोल देते हैं इसको, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और मेटिंग, ये तीनों टर्म ही सेम है, ओके। इन तीनों टर्म का मीनिंग एक ही है, क्या मीनिंग है इनका, दैट इज फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड कॉपुलेशन और मेटिंग और सेक्सुअली इंटरकोर्स, ओके। देन अब क्या है कि ओके, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन्होंने कॉपुलेशन कर लिया है, ओके। अब फीमेल के अंदर क्या पार्ट था हमारे पास, देखो यहाँ पर, यस यहाँ पर देखो, अब यहाँ से देखो जो पेनिस है वो यहाँ से एंट्री करेगा, ओके। पेनिस है जो यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करने के बाद क्या है कि जो स्पर्म है उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली है। अब स्पर्म ने एंट्री कर ली है तो वो क्या है, यहाँ से होते हुए, इस यूट्रस से होते हुए, ठीक है, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाएंगे। अब पर मंथ ओवरी ने तो ठीक है भाई अपना एक एग रिलीज़ कर दिया, ठीक है ना, अब एग है वो यहाँ पर आ गया है, ओके। मैंने बताया था ना एग का स्ट्रक्चर आपको सिर्फ नॉर्मल मिलेगा ऐसे, बट जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप का बनाना है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है आपका स्पर्म आ गया है, यहाँ से आपका इस साइड से एग आ गया है, अब क्या है दोनों की दोनों का फ्यूज़न होगा, ठीक है, दोनों की मिक्सिंग होगी। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हमने फ्लावरिंग के अंदर भी पढ़ा था, प्लांट्स के अंदर भी पढ़ा था सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सो उसके अंदर की क्या था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्ट जो गैमेट्स हैं उनके फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स हैं वो आपके फ्यूज़ हो जाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर और ओविडक्ट के अंदर, ये आपको एक एक मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे, दैट फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, कौन से पार्ट के अंदर होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। सो ये कहाँ पर होता है आपका, ओविडक्ट के अंदर, ओके। अब ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया, हम पहला केस पढ़ रहे हैं, देखो हमारे पास ना दो केस हैं, एक तो जो एग रिलीज़ हुआ ओवरी से वो फर्टिलाइज हो जाएगा, इट मीन्स मेल गैमेट के साथ उसकी मिक्सिंग हो जाएगी, बट एक केस क्या था आपका कि जो मिक्सिंग है, जो फ्यूज़न है वो नहीं होता है,
सो अभी हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, दैट फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज़न हो गया. ओके, अब देखो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, अब चलो एक बार इसको इरेज कर देती हूँ. यस, देखो अब देखो यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर मैं प्लस का साइन बना देती हूँ, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया है. ओके, फर्टिलाइजेशन अब जैसे ही होता है तो क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपकी एक स्पेसिफिक टर्म आई थी ना जो पहले पढ़ा चुके हैं, जाइगोट बोलते हैं जिसको. अब ये जाइगोट यहाँ पर आ जाएगा. ओके, और अभी बताया था कि जो यूट्रस है वो अपने आप को पर मंथ प्रिपेयर करता है. सो ठीक है, यूट्रस ने तो अपनी फुल तैयारी कर रखी है, दैट आएगा तो उसको हम कैरी कर लेंगे इजीली. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करता है कि जो यूट्रस के अंदर जो ये जाइगोट है ये यहाँ पर अपने आप को सेट कर लेता है. ठीक है, जैसे प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था ना कि हम ग्रो कर देते हैं उसको, इम्प्लांट कर देते हैं. सो यहाँ पर भी आपकी एक टर्म आती है इम्प्लांटेशन. क्या आती है आपकी एक नई टर्म, इम्प्लांटेशन. ओके, इम्प्लांटेशन किसको बोल रहे हैं हम, कि जो जाइगोट है वो यहाँ पर क्या हो गया है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके ऊपर अपने आप को उसने क्या है फिक्स कर लिया है. ठीक है, उसको क्या कर लिया, इसने अपने आप को फिक्स कर लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. ठीक है, अब देखो जो जाइगोट है यहाँ पर आपकी एक टर्म और आएगी, एम्ब्रियो. क्या आएगी आपकी एक और टर्म, एम्ब्रियो. ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या है. पहले हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट का दोनों का फ्यूज़न हुआ तो क्या बन गया था, जाइगोट. अब क्या है कि देखो जो जाइगोट है वो, ठीक है एक यहाँ पर मेल सेल थी एक फीमेल सेल थी, दोनों ने अपना फ्यूज़न किया, एक कंप्लीट एक बड़ी सेल बना ली. ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर क्या है, ये तो यानी कि ये एज इट इज़ बेबी के अंदर डेवलप हो जाएगा, नहीं फीटस के अंदर ये अभी डेवलप नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज अभी इसके अंदर काफ़ी डिवीज़न होंगे, कोई ऐसे डिवीज़न होगा कोई ऐसे, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी तो कितना अलग है ना. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई हम, तो इसके अंदर क्या है बहुत सारे डिवीज़न होंगे, इट मीन्स बहुत सारे डिवीज़न होंगे. फिर इनका आगे चलकर पता लगेगा कि कौन सी सेल को हमारा नाक बनाना है, कौन सी सेल को कान बनाना है, कौन सी सेल को हमारे पास ईयर बनाना है. ठीक है, सब कुछ मतलब सेट होगा यहाँ पर. सो जो ये डिवीज़न हो रहा है जाइगोट में, इस डिवीज़न के बाद हम इस टर्म इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो. ओके, इट मीन्स जाइगोट के अंदर डिवीज़न हो गया, अब हम क्या बोल रहे हैं उसको, एम्ब्रियो. ठीक है, अब ये एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट हो गया, क्योंकि अब एम्ब्रियो क्या कर रहा है, न्यू बेबी के अंदर डेवलप होगा. ठीक है ना, सो अब जो ये लाइनिंग है, जो ये यूट्रस की लाइनिंग शो कर रखी है रेड कलर की, ये क्या करेंगी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी. ओके, आपने एक नाम सुन रखा होगा ना, वैसे मतलब ये अगर नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, प्लेसेंटा. सुन रखा है, प्लेसेंटा क्या होता है कि जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो ये डेवलपिंग फीटस है, इसके अंदर और जो मदर है उसके अंदर, उन दोनों के बीच का एक कनेक्शन होता है. ठीक है ना, ऐसे मान सकते हो आप दैट ये क्या है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे करना था थोड़ा. ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है ऐसे मान सकते हो, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन होता है. ठीक है, अब ये तो है नहीं कि भाई बेबी के अभी जो टीथ हैं वो आ गए हैं और ये हाथ आ गए हैं तो ये अपना खाना खुद लेके खा लेगा. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. क्या होगा, ये एक प्लेसेंटा नाम की एक चीज़ होती है, प्लेसेंटा एक आपकी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू. आपने 9th में पढ़ रखा होगा ना, टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये. सो ये क्या करता है, मदर और जो डेवलपिंग बेबी है उन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, सो दैट जो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या आता है, फूड आता है, उसी में से क्या है, थोड़ा सा फूड इस बेबी तक ट्रांसफ़र हो जाए. ओके, बेबी तक ट्रांसफ़र हो जाए. सो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र का काम करता है. ठीक है, ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू आती है, इट मीन्स गैसियस एक्सचेंज भी इसी के थ्रू आता है, फूड मटेरियल भी इसी के थ्रू आता है. ओके,
और जो बेबी है, ठीक है भाई, उसने फूड खाया है तो थोड़ा बहुत वो भी वेस्ट प्रोड्यूस करेगा. सो वो वेस्ट भी क्या होता है, इस प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. ओके, सो ये क्या हो गया, आपका एक मेन फंक्शन आता है प्लेसेंटा का. ओके, देन अब हम बात करते हैं, अब ये हो गया, ठीक है भाई, जो मदर से क्या हो गया है आपका, जो ये डेवलपिंग बेबी है, ये यहाँ यूट्रस की लाइनिंग से क्या कर रहा है, अपने आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना, क्या करवा रहा है आपको, नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है. अब उसके बाद क्या होता है कि जो बेबी है, ठीक है, अभी इट मीन्स जो बेबी है वो जो फुली डेवलप हो जाएगा, इट मीन्स अगर हम ह्यूमन बींग के अंदर बात करते हैं तो अप्रोक्स 9 मंथ के अंदर, ठीक है, 9 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, जो बेबी है वो वेल डेवलप हो जाता है. और 9 मंथ के बाद क्या होता है, 9 मंथ तक वो यहीं पर रहता है, ठीक है ना. अब उसके बाद क्या होता है, इस बर्थ कैनाल के थ्रू, जो ये वेजाइना है, इसके थ्रू क्या होता है, ये बाहर निकलता है, इट मीन्स रिलीज होता है. ओके, इसी के थ्रू क्या है, ये बर्थ लेता है. सो यहाँ पर जो ये यूट्रस है, इसकी जो मसल्स बनी हुई हैं, बताया था ना कि इसके अंदर बहुत सारी मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करेंगी, इसकी हेल्प से ही क्या होगा, जो बेबी है वो बर्थ लेगा. ओके, अब जो ये बेबी के बर्थ लेने की जो ये प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन. क्या बोलते हैं इसको हम, पार्चुरेशन, बेबी के बर्थ लेने की प्रोसेस को. ओके, सो इसी के साथ अब ये वाला जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया है, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, अभी आपका 2 टॉपिक्स और रह गए हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड, इट मींस जो एग है वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसका तो क्या कुछ होता है, और एक वो आपका टॉपिक रहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. ओके, तब तक आप इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करना. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.